स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। टुडेज टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो स्टूडेंट्स, यहां पे बात हो रही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां पे हीटिंग इफेक्ट जो है उसके एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। अब जैसे कि स्टूडेंट्स, आप लोग देखे हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, जैसे आपका मोबाइल है, ठीक है, आपकी टीवी है, आपका फैन है, आपका एसी है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उनमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो क्या होता है कि उससे कुछ हीट जनरेट होती है। वो जो हीट जनरेट होती है उसी को हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। तो उनकी सारी एप्लीकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में। तो हीटिंग इज डिजायरेबल इन डिवाइस लाइक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक फ्यूज एसेट्रा। यहां पे आप देख रहे हो एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अप्लायंसेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिक बल्ब। यहां पे एक बल्ब का पिक्चर आपके सामने है। इसमें आप देख रहे हो ये बल्ब ग्लो कर रहा है। आप सभी लोगों ने बल्ब देखा हुआ है। तो बल्ब में क्या होता है, अब बल्ब की बात आती है तो जाहिर सी बात है इसका आविष्कार किसने किया था, इसके बारे में भी आप सोचोगे। तो मैं आपको बता दूं, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछ लिया जाएगा आपसे किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या फिर बोर्ड की एग्जाम में। तो इसका आविष्कार किया था थॉमस एल्वा एडिशन ने। थॉमस एल्वा एडिशन महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने आज हमें बल्ब के प्रकाश से रोशन किया। अगर उन्होंने बल्ब का एक्सपेरिमेंट नहीं किया होता, बल्ब नहीं बनाया होता, तो आज हम लोग कैसे जान पाते कि रोशनी क्या होती है, अंधेरे में रहते रातों में, जैसे दिया बाती ये सब चलता था पहले जमाने में, वैसे होता है ना, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो थॉमस एल्वा एडिशन के बारे में काफी कुछ है, स्टोरी वगैरह मैं आपको एक वीडियो उस पर भी दे दूंगा। अब सबसे पहले बात हम करते हैं कि ये बल्ब क्या होता है, बल्ब क्या है। तो बल्ब में यहाँ पे आप दूसरे फिगर में नीचे देख रहे हो ग्लास बल्ब, ठीक है ना, सबसे ऊपर जो ऊपरी सतह होती है उसमें वो ग्लास की बनी होती है, उसे ग्लास बल्ब कहते हैं। और उसमें क्या होता है, गैस फिलिंग, गैस भरी होती है, और ये जो जलती है, जो चमकीली लाइट जिसमें आपको देखते हो वायर में, उसका नाम है टंगस्टन फिलामेंट, उसको टंगस्टन फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सपोर्टिव वायर लगा हुआ है, लेड वायर लगा है, ड्यूमेट वायर लगा है, एग्जॉस्ट ट्यूब लगा हुआ है, स्टीम लगा हुआ है, फ्यूज लगा हुआ है और कैप लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जहां पे भी बल्ब लगा होता है तो जब वो जलता है तो क्या होता है, काफी हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। हीटिंग इज अनडिजायरेबल इन डिवाइस लाइक कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर, टीवी एसेट्रा। अब यहां पे डिवाइसेस जितने भी आपके इलेक्ट्रिक करंट से चलते हैं वो क्या हो जाते हैं, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। जैसे कि आपका कंप्यूटर है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, एसेट्रा, जितने भी हीटिंग अप्लायंसेस हैं। हीटर तो आप जानते हो कि गर्म होता है तभी तो उस पर काम होता है, खाना बनता है, चाहे आप कोल्ड में आप हाथ सेकते हो, अपने आप को वार्म करते हो। और इलेक्ट्रिक आयरन, वो भी हीट होता है जो, और घरों में जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है, लगा होता है आपके सर्किट से कनेक्टेड होता है, वो भी हीट होता है, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और यहाँ पे आप देख रहे हो अबाउट इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है आपका, इसमें फिलामेंट जो लगा होता है वो टंगस्टन होता है, और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट जो है 3380 डिग्री सेल्सियस, यानी 3380 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी मेल्ट करता है टंगस्टन, ठीक है ना स्टूडेंट। मोस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन हीटिंग एंड स्मॉल पार्ट ऑफ लाइट बल्ब फिल्ड विथ नॉन रिएक्टिव गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन। जो बल्ब होता है उसमें क्या होता है, नॉन रिएक्टिव गैसेस फिल होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑर्गन, ठीक है, ये सब, ये गैसेस जो होती हैं वो रिएक्ट नहीं करती हैं। तो समझ रहे हो ना मेरी बात। अब चलो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्यूज यहाँ पे देखो आप, एक पिक इलेक्ट्रिक फ्यूज की भी बनी हुई है। इलेक्ट्रिक फ्यूज समझ रहे हो ना सब में, सब लोग, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज? इट इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है विच प्रोटेक्ट सर्किट, जो कि आपके सर्किट को प्रोटेक्ट करती है। आप अपने घरों में देखे होंगे, जो आपका मेन सर्किट होगा वहां पे ये फ्यूज लगा रहता है। फ्यूज क्यों लगाते हैं हम? ताकि हमारे घरों में जितने भी अप्लायंसेस वगैरह है ये सेफ रहे। अगर कभी भी हाई वोल्टेज या फिर लो वोल्टेज आता है तो क्या हो, फ्यूज ब्रेक हो जाए, बाकी जो आपके अप्लायंसेस है वो सब सेफ रहेंगे। फ्यूज ब्रेक हो जाता है, बाकी अप्लायंसेस आपके बच जाते हैं, है ना? इस वजह, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज होता क्या, वो कैसा है, कैसा वर्क करता है, क्या लगा होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। इट इज अ डिवाइस विच प्रोटेक्ट सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग में ये प्रोटेक्ट करता है। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, इट इज लाइक वायर मेड अप ऑफ मेटल और एलॉयज लाइक टिन, कॉपर, एल्यूमिनियम। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है सभी लोग जान गए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट और ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर वन का, स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक पावर। यहीं पे आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है और इसके आगे अब हम बात न्यूमेरिकल्स की करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपका चैप्टर फर्स्ट जो इतने दिनों से चल रहा था वो कंप्लीट हो गया। बाकी की प्रीवियस वीडियो जिन लोगों की छूट गई है वो प्लेलिस्ट में जाके फिर से देख सकते हैं, अभी भी है, इन सब वीडियो को हटाई नहीं गई है। अब इलेक्ट्रिक पावर, पावर की बात होती है तो आप सब जान जाते हो पावर क्या है। वॉट इज पावर? इट इज एनर्जी। यहाँ पे पिक्चर आप देख रहे हो, ठीक है, इसमें क्या है, हाई टेंशन वायर कई सारे पोल से खींच के गया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। एसआई यूनिट की बात हम कर ले, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। जो एसआई यूनिट पावर की होती है उसको हम वॉट कहते हैं और ये स्मॉल डब्ल्यू से डिनोटेड होता है। सॉरी फ्रेंड, वी इक्वल टू आई आर, इसका फॉर्मूला जो होता है वी इक्वल टू आई आर होता है। आई इक्वल टू वी अपॉन आर, एच इक्वल टू वी आई टी, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, पी इक्वल टू ई टी, पी इक्वल टू वी आई टी, यहां पे क्या है टी आपका जो है टी टी कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा वी और आई, ठीक है। फिर आई स्क्वायर आर टी, यहां पे भी टी टी कैंसिल हो जाएगा, यहां पे भी आई आर मिल जाएगा, आई स्क्वायर आर मिल जाएगा, यहां पे भी टी टी कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर आर। तो ये तीनों जो है ये आपके फॉर्मूले हैं, पी इक्वल टू वी आई, दूसरा फॉर्मूला मिल गया पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तीसरा मिल गया आपको पी इक्वल टू वी स्क्वायर आर, ठीक है स्टूडेंट्स? और एक फॉर्मूला होता है एच इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। थैंक यू स्टूडेंट्स।